तो अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पर जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको लोन का ऑफर नहीं मिलता और तुरंत आपका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो, जब लोग ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, अब काफ़ी लोगों को तो लोन मिलता है, अब काफ़ी लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर मैंने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे पहली बार लोन लिया था, जब मैंने दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने मुझे कोई भी लोन का ऑफर नहीं दिया और तुरंत मेरा लोन वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, हो सकता है कि आपने जब पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया हो, आपने उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से की हो, अब आपने ये सोचा होगा कि भाई दूसरी बार जब मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो भाई मुझे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपने दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई तुरंत आपका लोन रिजेक्ट हो गया। अब काफी लोग तो ये बोलते हैं कि सर 5 से 7 बार एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर चुका हूं तो भाई 1000 छोड़ो 2000 का भी लोन का ऑफर देखने को नहीं मिलता और 7 से 8 बार मेरा लोन वहां पे रिजेक्ट हो चुका है। भाई देखो, यहाँ पे मैंने भी लोन के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले लोन के लिए अप्लाई किया था, मुझे पहला लोन मिला था 1000 रुपए का। अब मैंने उसकी जो ईएमआई थी ना टाइम पे की, टाइम पे करने के बाद मैंने दोबारा से लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे देखो साफ से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन द गेट ए बेटर कैन द चेक यू एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे लिखा है जो लोन का ऑफर है ना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला, मेरा जो लोन था वो यहाँ पे हो गया रिजेक्ट। अब देखो, यहाँ पे मैंने ईएमआई भी टाइम पे कर दी, रिपेमेंट मैंने एकदम अच्छे से की, कोई भी ईएमआई को डिले नहीं रखा, तो फिर भी मुझे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की तरफ से लोन का ऑफर यहाँ पे नहीं मिला। अब देखो, जब मैंने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से बात की जो उन्होंने मुझे बताया, तो भाई मैं खुद सुन के हैरान रह गया कि भाई मेरी खुद की गलती हुई है, मेरे खुद की गलती की वजह से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन ने मुझे यहाँ पे लोन नहीं दिया। अब देखो होता क्या है, जब आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, जब भी आप अप्लाई करते हो, देखो आप अप्लाई करते हो और आपको लोन का ऑफर मिल जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, रिपेमेंट एकदम टाइम से करते हो। आपको ईएमआई का टाइम मिला पूरे 3 महीने का, अब आपने 3 महीने तक ईएमआई को टाइम पे भी किया, अब आपने 3 महीने के अंदर कितने लोन अप्लाई किए वो आपको पता है? आपने 3 महीने के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर जाके किसी नवी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दिया, किसी दूसरी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दिया, तीसरी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दिया, चौथी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दिया। भाई देखो, अगर आपने ट्रू बैलेंस या किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है ना, अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके ज़्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जितना भी सिबिल स्कोर है वो भाई हो जाएगा खराब। अब जब खराब हो जाएगा आपके सिबिल के ऊपर बैठ जाएगी इंक्वायरी, जब इंक्वायरी बैठ जाएगी ना, जब कंपनी दोबारा से आपके सिबिल स्कोर को फैच करेगी ना तो चेक करेगी, तो हो सकता है कि आपने 3 महीने के अंदर किसी और कंपनी की ईएमआई को डिले भी रख दिया हो, और हो सकता है कि आपने ज़्यादा सारा लोन अप्लाई करके आपने जो सिबिल के ऊपर काफ़ी सारी इंक्वायरी बिठा दी है उसकी वजह से जब दोबारा से सिबिल स्कोर आपका चेक किया जाएगा ना तो वहाँ पे देखा जाएगा कि भाई इस बंदे ने इतनी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दिया कि इस बंदे को पैसे की बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। हो सकता है कि जब जब आपको तो अब कंपनी के मन में डाउट चलेगा कि अगर मैं इसको लोन दे दूंगा तो क्या ये मेरा लोन वापस करेगा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से रिस्की रह जाता है, रिस्की होने की वजह से क्रेडिट वो जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है आपका लोन वहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। देखो यही सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपको 1 या 2 या 3 एप्लीकेशन से लोन मिल रखा है तो भाई सबसे पहले आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे करो, उसका लोन चुकाओ, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई मतलब अप्लाई कर दो। अब काफ़ी लोग करते क्या कि भाई देखो यहाँ पे क्या करते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर जाके काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखो वहां पे 10 एप्लीकेशन पे अगर आप एक दिन पे अप्लाई करोगे ना तो भाई 7 से 8 इंक्वायरी आपके सिविल के ऊपर आके बैठ जाएगी, उसके बाद आपने अगले दिन दोबारा से लोन अप्लाई किया तो वहां पे भी आपके सिविल स्कोर के ऊपर काफी सारी इंक्वायरी आके बैठगी। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, आज लोन अप्लाई किया भाई कल छोड़ के कोई नवी एप्लीकेशन है फिर अप्लाई कर दिया, फिर छोड़ के दोबारा एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दो, तो भाई ऐसे करते करते आपका जो भी सिविल स्कोर है पूरा खराब हो जाएगा, फ्यूचर में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी आपको लोन का ऑफर यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे एक चीज का क्लियर करो, देखो जब आपको एक लोन मिलता है तो आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे करने के बाद दोबारा लोन अप्लाई करो तो 100% आपको लोन मिलेगा। अब काफी लोग इतने लोन अप्लाई कर देते हैं, इसके कारण इंक्वायरी इतनी आके बैठ जाती है, इंक्वायरी इतनी आने के कारण उनको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता और तुरंत उनका लोन वहाँ पे रिजेक्ट होता जाता है, और बाद में जाके वो मैसेज करते हैं कि सर काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर चुके हैं, हमारा सिविल स्कोर भी 400 हो गया 500 हो गया। तो भाई जब ज्यादा सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करोगे तो भाई सिविल तो आपका खराब हो गई ना, तो ये तो है नहीं कि आपका सिविल बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करो, आप 1 या 2 या 3 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करो, भाई 1 महीने के अंदर आप 2 से 3 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर दो। अब काफी लोग तो क्या करते हैं भाई, 1 महीने के अंदर ही 40 से 50 लोन अप्लाई कर देते हैं भाई, जिसके कारण सिविल स्कोर की पूरी धज्जियां उड़ जाती है और वहाँ पे फ्यूचर में जाके ना उनका सिविल स्कोर जब नीचे आता ना तो भाई ऊपर ही नहीं उठता, क्यों नहीं उठता, इंक्वायरी इतनी जाती है, जैसी लोन अप्लाई करते हैं कंपनी देखते हैं इतनी सारी इंक्वायरी तो भाई ये लोन तो वापस नहीं करेगा, तुरंत रिजेक्ट कर देता है। ऐसे ही करते करते आपका लोन रिजेक्ट होता चला जाता
चाहते हो तो भाई आप ये गलती छोड़ दो, ज़्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई मत करो, एक या दो या तीन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करो तो भाई 100% आपको लोन का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।